आप जहां भी रहेंगे अपना श्रेष्ठ देंगे और एक सेलेक्टेड अधिकारी बनने के बाद एक श्रेष्ठ ऑफिसर बनेंगे और राज्य लोकसभा में राज्य प्रशासन में आप सर्वोच्च पद धारण करेंगे और समाज के लिए बेहतर करेंगे, राष्ट्र के लिए बेहतर करेंगे और ऐसे अभ्यर्थियों जो किसी भी किसी कारणवश पढ़ाई में या तो पीछे हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, फाइनेंशियल स्टेटस, तब उस कंडीशन में आपके लिए मैं हमेशा एक बात मैं कहते आया, आपका काम प्रशासन करना है, मेरा काम पढ़ाई करना है, ऐसे लोगों को हम लेकर के आए, मैं उस कंडीशन में खड़ा हूं ऐसे लोगों को आगे ले जाने के लिए। ऐसे में हम दोनों, आप और हम दोनों, हम अपने अपने सामाजिक कार्य को पूरा करते हैं, तो उसके लिए मैं हूं, आप सबको मैं इतना अधिकार देता हूं कि चंद्रा एकेडमी दिस इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, दिस इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ फैमिली और आप सब उस फैमिली के सदस्य हैं, सभी सेलेक्टेड अधिकारी उस फैमिली के सदस्य हैं, ठीक, आप अपना हाथ रखते हैं, आप जब चाहे मुझे बता सकते हैं और जब चाहे तब मुझ पर अपना हक जता सकते हैं, किसी भी चीज के लिए आप बिल्कुल मुझे बोल सकते हैं और इस प्रकार हम आप प्रशासन में अपना सर्वोच्च दीजिए और मैं शिक्षा में सर्वोच्च दूंगा, ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे जो जिनके पास वो संसाधन नहीं है, जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, हम ऐसे लोगों को भी लेकर आगे जाएंगे, ये कैसे संभव होगा, तो आपके और मेरे प्रयास से संभव होगा। तो साथियों, बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है, जैसे हमने बदलाव लाया वैसे हम मिलकर और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप अधिकारी बने, हो सकता है कोई बाहर से बैठ के देखे और बोले कि यार अधिकारी बनना कितना मजेदार या कितना मजा है एक अधिकारी बन के कार्यालय पर बैठना, लेकिन एज ऑफिसर आप जानते हैं कितने चैलेंजेस आते हैं, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे डिफिकल्ट है, कैसा नदीज होती है चीजें, है ना, जब आप कोई कठिन काम करा जाते हैं प्रशासन में जब पहुंचते हैं तो बहुत चैलेंज आते हैं, मैं तो बोलता हूँ प्रशासनिक अधिकारी से ज्यादा चैलेंजिंग जॉब है नहीं, क्योंकि आप कितनों को मेंटेन करते हैं, आप हर तरह से लोगों को मेंटेन करते हैं, है ना, कि हर चीजें दिल कर लू, मैं एक चीज बोलूंगा आप चैलेंज लीजिए, चैलेंज से मत डरिए, मत भागिए, आप चैलेंज लेंगे और उस चीज को करके दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर ठीक आपकी छवि सबसे ऊपर सामने आएगी और ये आप होगा वो प्रमोशन का हेल्प करेगा, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, ठीक है, तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि एक अच्छा अधिकारी जब बनेंगे चैलेंज से भागेंगे, करके दिखाएंगे अपने बड़े अधिकारी प्रशासन को, शासन को, सरकार को, तब निश्चित तौर पर आपकी छवि अच्छी बनती है और आपकी छवि आपको बाहर कर सामने लाती है। मैं छोटा एग्जाम्पल अपने लाइफ कर दूंगा, ठीक, चंद्रा एकेडमी बिलासपुर की अगर मैं बात करूं, मैंने चैलेंज दिया जब पहली बार लेट हुआ लेक्चरर के लिए, हमने पोस्ट ऑफिस नारायण अपने सुदूर क्षेत्र मुझे 100 लोगों ने 90 लोगों ने कहा यार वहां जाके क्या करो, कुछ नहीं हो, एक सुदूर क्षेत्र निश्चित तौर पर और वास्तव में वहां कुछ, लेकिन एक चैलेंज था जहां संभावना नहीं होती वहां संभावना के बीच हुई, तब आप निकल के सामने जाएंगे, तब आप अच्छा बनेंगे और श्रेष्ठ बनेंगे, तो मैंने चैलेंज दिया और उस चैलेंज के दम पर आप सबके प्यार और विश्वास और भरोसे से आज हम इस जगह पर हैं और आज हम राज्य के मैक्सिमम लोगों को सिविल सर्विस दिलाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो साथियों एक चैलेंज मैंने लिया और आज इस चैलेंज के दम पर हम कोशिश कर रहे हैं, हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और हम बेस्ट अपना दे रहे हैं और राज्य में हम उन संस्थानों में से हैं जो मैक्सिमम देती है अपने बच्चों के लिए और मैक्सिमम लोगों को राज्य से सर्विस के द्वार तक ला रही है, तो मैं वही बोलूंगा चैलेंज लीजिए, कठिनाई को झेलिए, तब आपकी छवि, आपका व्यक्तित्व और आपके बेहतर अधिकारी बनेंगे, चाहे हमारे टीचर के रूप में हो चाहे आप अधिकारी हो, तो इसी से हम इस सम्मान समारोह को आगे बढ़ाते हैं और निश्चित तौर पर ये हम सभी के लिए